दुर्बल है भीषण बात्या असानी जो गत 6 घंटा मध्य यार जो बेग रही आमर घंटा प्रति 6 किलोमीटर बेगर गति करुच्छे जोटि कि आपणकर मुख्यतः भाव उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करुच्छे एवं जोटा कि आमर दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिगरे पूर्व दिगरे मछलीपाटनम ठारु 50 किलोमीटर दूर रही छड़ा आमर गोपालपुर ठारु 530 किलोमीटर दूर रे आमर रहुच्छे कि जोटा कि दक्षिण पश्चिम दिगरे रहुच्छे तापर पुरी ठारु 640 किलोमीटर दूर रे दक्षिण पश्चिम दिगरे रहुच्छे आमर गत काली उपकूल ओडिशार प्राय अंचल वर्षा होई भुवनेश्वर 36.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर आज सकाळ 8:30 सुधा ता छड़ा खोर्धा जटणी ठारे प्रबल वर्षा रेकर्ड कर जोटा कि 71 मिलीमीटर वर्षा होई ता छड़ा बालेश्वर 13.4 एवं प्राय जो गजपति 21.4 ता छड़ा आमर सकाळ समय जोटा कि पुरी गजपति तापर खोर्धा कटक समेत किसी आभ्यंतरण जिला कंधमाल एसबू जिला गुड़िका वर्षा वर्तमान जो देखा जाऊँगी राडार चित्र स्पष्ट होख्यतः भाव में मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा एसबू अंचल मेघखंड धीरे धीरे वर्षार प्रभाव लक्ष्य करकूल ओडिशा आज प्राय अंचल वर्षा हेरा संभावना रही किसी जिले में प्रबल वर्षार संभावना थी येलो वार्निंग जारी करतापर आम जो बर्तमान जो रोच तार गति यह धीरे धीरे किसी आगामी किसी घंटापी ये जो बात्याटी दुर्बल हो बर्तमान भीषण बात्या दुर्बल हो बात्या असानी में परिणत हो आगामी किसी घंटापी धीरे धीरे सी उत्तर आड़े उत्तर दिगरे गति करवर्त मुहूर्त जहाँ धीरे धीरे गति पथ जो रोचे परिवर्तन हेब एवं नसरपुर जो आंध्रर नसरपुर यानम काकीनाडा तापर टुनी और भाइजाक यो अंचल को दे सी गति कर संभावना रोचे पुणी रात्रि समय पर आज रात्रि समय पर पुणी पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर समुद्र मध्य उत्तर आंध्र उपकूल मध्य पशिव एवं तापर उत्तर पश्चिम बंगोपसागर ओडिशा उपकूल महाबार संभावना रोचे एवं धीरे धीरे यह आसंता काली बेलू आहुरी दुर्बल हो गोटे अवपात परिणत होवार संभावना रोचे देखो लैंड तो नुह जोटा कि आम टच कर जो हूँ एलंग जीव लैंडफॉल हम ना तापर आपर जो रोच मुख्यतः भाव जो जिते जो, जो स्थलभाग संस्पर्श आसब तार जलय बाष्पर परिमाण कम छड़ा जो टपग्रे पहाड़िया अंचल रोचे भाइजाक टुनी काकीनाडा ये अंचल जिते संस्पर्श आस आहुरी दुर्बल हो दुर्बल हवा प्रक्रिया बर्तमान किसी घंटा पर आहुरी सक्रिय हो धीरे धीरे दुर्बल हो आसंता काली सकाळ बेलू अवपात में परिणत हो देखो आज जब देखिए आम मुख्यतः भाव में मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी ये सब जिले में आम किसी अंचल प्रबल वर्षा रसंता का जो रोला वर्षार परिमाण टी सामान्य कम आज मुख्यतः भाव में तार जहाँ प्रभाव ओडिशा पर रही देखो ओडिशा उपकूल पाखापाखि पहुँचला बेलू सी आप दुर्बल हो अवपात रूप नवर संभावना रही तेणु ओडिशा उपकूल में समुद्र मध्य पवन जो रोचे 40-50 सर्वाधिक 60 किलोमीटर पर्यंत पवन वर्तमान जे देखा 75 समुद्र मध्य यार जो केन्द्र बात्यार केन्द्र रही चारिपाटे 75-85 सर्वाधिक 95 किलोमीटर पर्यंत पवन रोच ता छड़ा आमर जो ये पवन रो समुद्र अशांत रोचे ओडिशा उपकूल में 12 तारीख राति जाए समुद्र अशांत रोक तेणु मत्स्यजीवी मानक 12 तारीख राति जाए आम समुद्र मध्य जावाई संपूर्ण भाव बारण कर पोर्ट वार्निंग गत काली जो रही है आम गोपालपुर विपद संख्या 3 और अन्य समस्त बंदर जो तीनोटी रोचे चांदवाली है पारादीप और पुरीर जो सिग्नल पोर्ट रोचे से आप 2 नंबर विपद संख्या वर्तमान सुधा बलवत्तर रही विशेष प्रभाव तार रही वर्तमान कारण जो रोचे धीरे धीरे दुर्बल हवा प्रक्रिया बर्तमान सक्रिय हो गला जो लैंड रे इंटरेक्शन हम आहुरी सक्रिय हमारे संभावना ओडिशार 12 तारीख पर्यंत वर्षा रहिबार संभावना 12 तारीख आप साधारण 24 घंटा आकलन जारी कर 12 तारीख पर्यंत वर्षा रहा 13 तारीख रु पाग बदलार संभावना रही शुणुले वैज्ञानिक उमाशंकर दास प्रतिक्रिया जी सांबादिक सम्मेलन करते बात्या असानी को नहीं जहाँ अपडेट खबर आसला से संपर्क में कहते वर्तमान जेहेतु
ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଯିଏ ଅସାନି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ସେ କହୁଥିଲେ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାକିନାଡ଼ା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଲସରପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଟୁନି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେବେ ସେହି ଜାଗାକୁ ଦେଇ ଗତି କରିବ ବା ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତେବେ 13 ତାରିଖରୁ ହୁଏତ ପାଗରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।